क्षेत्र बहर के सामुदायिक भवन में बहर ब्लॉक के 149 बूथ का BNA प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। माननीय विधायक संजय उइके जी के मुख्य आतिथ्य में समस्त सेक्टर्स व मंडलमा के अध्यक्ष साथियों के साथ समस्त बूथों के BNA एवं समस्त कार्यकर्ताओं के साथ कार्यशाला सम्पन्न कराई गयी। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मान विधायक संजय उइके जी ने कहा कि मिशन 2023 का संकल्प मतदाता सूची शुद्धिकरण के बाद ही सफल हो सकता है। इसके लिए मेरे सहित संगठन के हर एक कार्यकर्ता को अपना अपना बूथ मजबूत करना होगा। BNA का दायित्व सबसे बड़ा है, वहीं बूथ का रणनीतिकार भी है। बूथ कमेटियों का गठन, पन्ना प्रभारी बनाया जाना और वोटरों को चिन्हित करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन से ही आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। इस दौरान कार्यक्रम में मां शफकत खान जी, श्रीमती नेहा सिंह जनपद सदस्य व पूर्व जिला मां, सर श्रीमती रेखा वर्के जी अध्यक्ष ब्लॉक महिला कांग्रेस, श्री बजारी लाल धुर्वे जी मंडलमा अध्यक्ष पिपरिया और विधानसभा प्रभारी BNA प्रशिक्षक ग्रुप किशोर मेरावी जी, श्री एसएल बिसेन अध्यक्ष भी वर ब्लॉक बहर, श्री साजन दास बोरकर उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बहर, जनाब सिराज अख्तर जी वरिष्ठ कांग्रेसी, महेश मरकाम जी श्री पंचायत सदस्य, श्री जिला पंचायत सदस्य गढ़ी, प्रमोद ताराम जी, श्री दशरथ धारवैया जी, श्री संतोष बिसेन अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस उपस्थित रहे। उसके बाद आप देखेंगे शासकीय निर्देश पर ये हमारे बूथ स्तर के जो हमारे भी एजेंट जिनके बारे में आप अगर सो गए तो 50 वोटर आपके निकल गए और आप 30 तारीख को ब्यूरो के पास में जाएंगे तो सकता है मारपीट भी कर सकते हैं, मना करेगा तो तब ये ना बोलिएगा कि भैया 50 वोटर हमने पहली हाथ पाए हैं और हम इनका नाम नहीं बुला पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 10 वोटर जैसे डीएम बोला अपने तरफ से वोटर भी उठाए तो उतने वोटर को बस जोड़ने का अधिकार आपके पास के एक दिन में है। उसके बाद में अगर आप 30 नाम 40 नाम या 50 नामों को जोड़ते हैं कोई अलग प्रक्रिया है, अलग प्रोसेस है। आपको एक यहाँ से लिए फर्स्ट जो हमारे भाई साहब जिला अध्यक्ष हैं इनके माध्यम से निर्वाचन में एक पत्र जाएगा और तब भी प्रोसेस है। अगर 30 से ज्यादा नामों को जोड़ेंगे तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि अभी से नामों को जोड़ निश्चित तौर पे ऐप भी है, ऐप के साथ साथ हमको लिंक भी दिया गया है, मेरे पास मेरी विधानसभा का लिंक है उसमें जितनी जानकारी इन्होंने कहा कि 18 से 23 साल तक के कितने मतदाता हैं, 80 साल के कितने मतदाता हैं, 23 से 60 साल के कितने मतदाता हैं, 60 से 80 साल के कितने मतदाता हैं, कितने जातिगत मतदाता हैं, हर एक बूथ वाइज और कितने महिला मतदाता हैं, ये जानकारी मतदाता सूची की ही उस ऐप के माध्यम से जो हमको लिंक में मिली हुई है तो निश्चित तौर पर हमारे पास जानकारी है। तो ये किसी के मन में ये बात नहीं आना चाहिए कि फिर जब जानकारी है तो फिर हमसे काम क्यों कराया जा रहा है। ये काम इसलिए कराया जा रहा है कि अभी राहुल भैया ने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया, वहां का किस्सा बताया उन्होंने, इंदौर का किस्सा बताया कि किस तरह वहां के महापौर ने 3 लाख वोट से वहां के हमारे कांग्रेस के महापौर जो संजय शुक्ला विधायक है हमारे साथ उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था, 3 लाख वोटों से हारे और 3.25 लाख मतदाता फर्जी पाए गए। तो ऐसे केवल एक विधानसभा या एक नगर निगम का चुनाव नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बीएलओ जिसको हम कहते हैं ये शासन का अंग होता है तो उनसे किस तरह से काम कराया जाता है, हमारे नाम को किस तरह से काटा जाता है, किस तरह से जोड़ा जाता है, इसलिए बहुत